नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ा ही मजेदार वाक्या सुनने को आया। और वो वाक्या क्या था दोस्तों? वो वाक्या ये था कि नुसरत जहाँ ने कहा कि भाई, उनकी जो शादी हुई थी उससे उनको तलाक और ये सब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है भाई? तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने जो शादी किया था टर्की मैरिज एक्ट के हिसाब से किया था, टर्की में किया था, ठीक है, और वो जो शादी है वो हिंदुस्तान में वैलिड नहीं है। तो जब हिंदुस्तान में वैलिड ही नहीं है तो डाइवोर्स का सवाल कहाँ से आता है? और उन्होंने ये भी कहा कि भाई, इंडिया में ये भी कहा कि उनकी जो शादी थी वो इंटर रिलीजन मैरिज थी, इंटरफेथ मैरिज थी, ठीक है, और उसके हिसाब से इस शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होना था, और जो कि उन्होंने किया नहीं है। तो ये जो शादी जो थी दुनिया के सामने बड़ा ही हो हल्ला के साथ किया गया था, और जो काफी सारा इसको सेक्युलरिज्म के लिए एक कहा गया था कि एक उदाहरण है, और लव जिहाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय तो बड़ा ही, 2019 से पहले इन्होंने शादी की थी, खासकर ये जो चुनाव होते थे, और उस समय टीएमसी ने काफी एक तरह से स्टार प्रचारक भी बन गई थी टीएमसी की, खासकर ये लव जिहाद और इन सब चीजों के मामले में लेके। तो भाई, उन्होंने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर नहीं हुई है, तो क्या है? तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई, ये एक लिव इन रिलेशनशिप था और हम दोनों अलग हो चुके हैं, और उसके बाद मुझे कोई डाइवोर्स की जरूरत है नहीं, कभी शादी हुई नहीं, लेकिन हम लोगों को सबको बताया गया, पूरे हिंदुस्तान में बताया कि भाई, उन्होंने शादी की, अचानक आज शादी नहीं हुई है, ये कह दिया उन्होंने। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में मुस्लिम्स मैरिज के लिए एक चीज है, या फिर दूसरे के लिए भी है, लेकिन मुस्लिम मैरिज के हिसाब से बेसिकली क्या है कि मुस्लिम कानून के हिसाब से, और या फिर आप कहें शरिया के हिसाब से, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज क्या है कि अगर दो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, ठीक है, तो वो शादी जायज नहीं है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप हिंदू हैं और अगर एक मुस्लिम लड़की से शादी कर रहे हैं तो इस्लाम उस शादी को मान्य नहीं करता है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो वो शादी जायज नहीं है इस्लाम के हिसाब से। तो उस शादी को जायज करने के लिए क्या करना है भाई? हिंदुस्तान में एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, बेसिकली ये मैरिज एक्ट जो है इंटरफेथ मैरिजेस के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आपको शादी करनी ही है तो आप इंटरफेथ मैरिज, जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके अंतर्गत कीजिए, ताकि आपके जो भी राइट्स हैं उस एक्ट के तहत आपको मिल सके, ठीक है। और दूसरा है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप शादी करना चाहते हैं मुस्लिम लड़की से, तो आप उसको कहिए कि भाई, आप हिंदू बन जाएं, उसके बाद शादी करें, कोई परेशानी नहीं है। तब आपको किसी एक्ट के थ्रू आपको जाने स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप लड़की हैं और आप किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती हैं तो कोई नहीं, आप शादी कर लीजिए, आप कहिए कि भाई, आप हिंदू बन जाइए और आराम से शादी कर लीजिए, तभी भी आपको किसी उसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक काफी आश्चर्यजनक वाली चीज है, लेकिन आपको अगर आपने आपको इससे बचाना है, ठीक है, तो मेरी तो राय यही है कि भाई, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कीजिए, आपको शादी करनी ही है, तो नहीं तो आप आराम से नुसरत जहां जी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, और जब दिल करिए आप कह दीजिए। लेकिन ये एक बड़ा ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी और जिस तरह से ऑपोजिशन और मीडिया वालों ने इसको कहा था कि ये मैरिज भारत के जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है उसको वैलिडेट करती है, ठीक है, और जो लव जिहाद खासकर जो चलता है उसको भी एक तरह से
खत्म करती है, उसको खारिज करती है। एनीवे, ये एक तरह से नया चीज ही आया है, लोगों को देखने के लिए मिला है। लिव इन रिलेशनशिप शादी के रूप में चली है, सबको बड़े बड़े नेता लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। एनीवे, उनका पर्सनल अफेयर है, लेकिन मेरी जहां तक राय है, अगर आप इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही कीजिए, ठीक है। अगर आप, खासकर आप हिंदू लड़की हैं और अगर आप मुस्लिम से शादी करती हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही कीजिए, या फिर उस बंदे को हिंदू बना दीजिए, या फिर आप ये तैयार रहिए कि आपकी आपकी 3 और सौतन भी रहेंगी वहां पे, लीगल है इंडिया में, ठीक है। तो आपके जो शौहर हैं 3 और शादियां कर सकते हैं लीगली इंडिया में। तो दोस्तों मेरी तो यही राय है, स्पेशल मैरिज एक्ट कम से कम, कम से कम, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कृपया लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।